हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आज अपने इस वीडियो में आपको जायडस लाइफ साइंस का पूरा डिटेल एनालिसिस बताने वाला हूं। हम आपको लॉन्ग टर्म और इंट्राडे दोनों ट्रेड बताएंगे, तो चलिए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम, और मंथली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि अभी जायडस में क्या चल रहा है। देखो गाइज, अगर जायडस की ओवरऑल चार्ट की बात किया जाए तो प्राइज आप देखेंगे जब यहाँ लिस्टेड हुआ था तो प्राइज इस रेंज में बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट किया था। अप्रॉक्स अगर आप देखेंगे सन 2000 से लेके 2003 तक एक ही लेवल पे कंसोलिडेट करने के बाद प्राइज ब्रेक हुआ और प्राइज एक अपने को हाई बनाया 110 रुपये का। और जब 110 का हाई लगाने के बाद प्राइज यहाँ से फाल हुआ, और आप देख सकते हैं फाल होने के बाद आप देखो ये रेंज अप्रॉक्स 3 साल, अगर आप ये रेंज देखोगे अप्रॉक्स 3 साल इसी रेंज पे प्राइज घूमता रहा, कंसोलिडेट होता रहा, ठीक है। इसके बाद जैसे ही अपना 153 रुपये का लेवल ब्रेक हुआ तो आप देखेंगे एक अपने को नया हाई मिला, और नया हाई था 195 रुपये का। क्लियर हुआ इतना। अब देखो जब मार्केट ने नया हाई लगाया तो नया हाई लगाने के बाद किस प्रकार से बिहेव किया, थोड़ा समय आपको देखो। प्राइस जब यहाँ से अप गया, अब मैं एक बार अच्छे से डाक कर देता हूँ। देखो प्राइस जब यहाँ से अप गया, हाई बनाया, देखो हाई बनाने के बाद प्राइस गिरा, फिर प्राइस यहाँ से अप गया। अब देखो जब प्राइस नया हाई बनाया तो यहाँ एक डबल टॉप बना, आप देख सकते हैं डबल टॉप बनाने के बाद प्राइस यहाँ से गिरा, और अगर आप देखेंगे डाउन साइड तो इस लेवल का सपोर्ट लिया, आप देख सकते हैं इस लेवल का सपोर्ट लिया। तो आप ये देखो डबल टॉप बनाने के बाद प्राइस जनरली गिरता है, और आप देखोगे यहाँ एक अपने को एम पैटर्न देखने को मिला। लेकिन गाइज यहाँ जो ये जो एम पैटर्न है ना, एक्टिवेट नहीं हुआ। एक्टिवेट होने के लिए डाउन साइड ब्रेकआउट करना होता, एक्टिवेट नहीं हुआ और प्राइस यहाँ से अब चला गया। क्लियर हुआ इतना। अब देखो जब प्राइस यहाँ से अब गया तो हम एक लेवल ये इसको आगे ड्रा कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको हटा के देखो ये लेवल। देखो प्राइस प्राइस जब यहाँ से अब गया, रजिस्टेंस लिया, गिरा, रजिस्टेंस लिया, गिरा, रजिस्टेंस लिया। अब आप ये देखो ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ, प्राइस अब गया, रिटेस्ट किया, और फिर प्राइस यहाँ से अब चला गया। अब देखो जब प्राइस यहाँ से अब गया गाइज, जब प्राइस यहाँ से अब गया तो एक नया हाई बनाता गया, फिर प्राइस रिटेस्ट किया, फिर प्राइस एक अपने को ओवरऑल नया हाई बना दिया, कितने का, 507 रुपये का। देखो भाई जब मार्केट नया हाई बनाया तो नया हाई बनाने के बाद एक प्राइस में कंटिन्यूअस मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, एक फाल देखने को मिला, और आप देख सकते हैं प्राइस 220 रुपये का नया फिर यहाँ से लो बनाया, 220 रुपये का लो बनाया। लेकिन लो बनाने से पहले आप देखोगे ये अपना कोरोना काल का लेवल था, प्राइस यहाँ से तो गिर रहा था, लेकिन अगर आप देखोगे ये अपना कोरोना काल का लेवल, कोरोना काल के पहले के लेवल से यहाँ प्राइस फॉल कर रहा था कंटिन्यूसली। लेकिन थोड़ा सा गौर से देखो आप ये लेवल देखो, क्लियर। प्राइस जब यहाँ से अप गया था, गिरने के बाद इसी लेवल का सपोर्ट लिया था, सपोर्ट लेने के बाद प्राइस यहाँ से अप गया, फिर आप देखो प्राइस यहाँ सपोर्ट लिया, थोड़ा सा अप गया, फिर इसके बाद ये कोरोना काल लेवल आया और प्राइस यहाँ से फॉल कर गया, और 200 रुपये का लो लगा दिया। क्लियर हो गाइज। फिर आप देखोगे प्राइस यहाँ से एक अपने को नया हाई लगाया, प्राइस यहाँ से कंटिन्यू अप जाता गया, अच्छा खासा रिकवरी किया, और 670 रुपये का नया हाई लगा दिया, और नया हाई लगाने के बाद प्राइस यहाँ से फॉल कर रहा। क्लियर हो इतना। अब ये सारे लेवल हटा देता हूँ, और मैं गाइज आपको वीकली टाइम फ्रेम में डिटेल से समझाऊंगा कि जायडस में आगे क्या कर सकते हैं। देखो गाइज थोड़ा सा वीकली मंथली टाइम फ्रेम चलते हैं, और कुछ लेवल ड्रा कर देता हूँ। अभी जो गाइज लो बना है अपना मार्केट, हम ये यहाँ लेवल ड्रा कर दिए ये लो में अपने, क्लियर हुआ। और अब हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम। ये देखो गाइज अगर आप वीकली टाइम फ्रेम की बात करोगे, ये जो मैं लेवल ड्रा किया हूँ, जब प्राइस यहाँ से गिर रहा था इसी लेवल का सपोर्ट लिया, थोड़ा करेक्ट किया, फिर प्राइस यहाँ से गिरा, फिर आप देखो जब यहाँ से प्राइस अब गया इसी लेवल का सपोर्ट किया, ब्रेक करने के बाद इसी लेवल का सपोर्ट लेने के बाद प्राइस यहाँ से अब गया। क्लियर हो इतना। अब फिर से प्राइस यहाँ से गिरा है, अब इसी लेवल का एक बार सपोर्ट लिया, अब गया फिर सपोर्ट लिया। अब यहाँ क्या चीज़ हो सकता है, अब मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ। देखो भाई अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे तो एक अपने को ये ट्रेंड लाइन मिल गई, एक अपने को एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन कैसे काम कर रही है, जब प्राइस यहाँ से हाई लगाने के बाद प्राइस गिरा, फिर प्राइस यहाँ से अब गया और गिरा। अगर आप देखोगे तो यहाँ एक अपने को एम पैटर्न देखने को मिला, और ये अपनी नेक लाइन थी। क्लियर हुआ, अपनी नेक लाइन थी 610 रुपये। जैसे ही 610 का लेवल ब्रेकआउट हुआ प्राइस में एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। लेकिन एम पैटर्न बनने के बाद क्या हुआ गाइज, देखो प्राइस यहाँ से गिरा, इसी ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया, फिर प्राइस गिरा, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया, फिर प्राइस गिरा, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया, प्राइस गिरा, फिर अगर आप देखोगे यहाँ ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया। लेकिन अब यहाँ गौर करने वाली बात है, जब यहाँ प्राइस रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद अगर आप देख सकते हो प्राइस इसको ब्रेक कर चुका है, ब्रेक कर चुका है, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, हम बाई पोजिशन बना लेंगे। नहीं गाइज, बिल्कुल नहीं, यहाँ अभी फंसना नहीं है, ये अपने को यहाँ बाई पोजीशन नहीं बनाना। ये बाई पोजीशन क्यों नहीं बनाना, अगर आप देखोगे अपसाइड की बात करो करते हैं, ये अपने लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है।
अपसाइड के लिए ये अपना इंपॉर्टेंट लेवल है। ये क्यों इंपॉर्टेंट लेवल है, देखो ट्रेंड लाइन तो ब्रेकआउट हो चुका, लेकिन ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद एक अपने को रेजिस्टेंस लेवल है। ये रेजिस्टेंस लेवल क्यों है, कंटिन्यू प्राइस यहाँ से गिरने के बाद इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा, गिरा फिर ब्रेक नहीं किया, गिरा अभी फिर से ब्रेक नहीं कर पा रहा। इसका मतलब ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल है, और रेजिस्टेंस लेवल क्या है, 380 का लेवल एक जायडस के लिए स्ट्रांग रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ से प्राइस फॉल भी कर सकता है डाउन साइड, क्लियर हुआ। और फॉल कैसे कर सकता है, प्राइस यहाँ से फॉल करे स्ट्रेट लाइन या सपोर्ट का, फिर से सपोर्ट ले, स्ट्रेट लाइन का सपोर्ट ले और इसका सपोर्ट ले, और फिर प्राइस जब यहाँ से अब जाके इस लेवल को ब्रेक करे, और ब्रेक करने के बाद प्राइस अब चला जाए। इस प्रकार से एक बार प्राइस दिखा सकता है जायडस अपने को आने वाले दिनों में, क्लियर हुआ। लेकिन मैं थोड़ा एडवांस चीज आपको और बताऊंगा कि प्राइस एक बार यहाँ तो सपोर्ट, यहाँ से गिरने के बाद यहाँ सपोर्ट लेके प्राइस अब जा सकता है, लेकिन आगे क्या हो सकता है। देखो गाइस, अगर प्राइस जायडस डायरेक्ट 380 के लेवल को ब्रेक करता है, अगर जायडस 380 के लेवल को ब्रेक करता है तो गाइस कहीं ना कहीं 10-15% क्वांटिटी उठाना, 10-15% क्वांटिटी उठाना, और ज़्यादा क्वांटिटी डायरेक्ट ब्रेक पे मत उठाना। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, ये इसलिए हो सकता है कि प्राइस यहाँ से अब जाए, और अब जाने के ब्रेक करने के बाद एक बार इस लेवल को रिटेस्ट करने आए, इस लेवल को रिटेस्ट करने आए। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको आगे बताता हूँ ये क्यों रिटेस्ट करने आ सकता है। अगर गाइज हम ईएमए को 50 डे ईएमए, पहले हम 50 डे ईएमए को दिखा देते हैं। अगर आप देखोगे, सॉरी मैं थोड़ा सा ये लेवल हटा देता हूँ, ये जो मैं अभी इसको ड्रा किया, देखो अगर आप 50 डे ईएमए को देखोगे तो 50 डे ईएमए एग्जैक्ट इस लेवल पर रजिस्टेंस ले रहा है। ये जो मैं अभी लेवल ड्रा किया, मैं इस लेवल पे एक लेवल ड्रा किया यहाँ, ये मैं किस बेसिस पे किया, जब प्राइस यहाँ से गिरा था, यहाँ का सपोर्ट लेने के बाद प्राइस अब गया था, इसी लेवल का रेजिस्टेंस लेके प्राइस गिरा था। लेकिन प्रीवियस में जब प्राइस यहाँ से अब गया था तो इसी लेवल का सपोर्ट लेके फिर प्राइस अब गया था। इस कारण से ये जो अभी मैं ड्रा किया हूँ, ये कौन सा लेवल है अपना, 420 का लेवल। ये जो अपना 420 का लेवल है बहुत महत्वपूर्ण लेवल है। प्राइस यहाँ से अब जाए 420 के लेवल से एक बार प्राइस रिटेस्ट करें, कौन सा लेवल, 380 का लेवल रिटेस्ट करने के बाद फिर प्राइस अब जाए। और जब प्राइस इस वे पे जाएगा तो एक अपने को हायर लो का फॉर्मेशन मिलेगा, क्या अपने को हायर लो का फॉर्मेशन मिलेगा, और जब हायर लो का फॉर्मेशन मिलेगा तो एक ये बोला जाता है कि मार्केट अप ट्रेंड में आ चुका है, या मार्केट अप ट्रेंड का फॉर्मेशन बना दिया, क्लियर हो इतना। लेकिन गाइज जो ये मैं लेवल ड्रा बताया, तो ये यहाँ से रिटेस्ट क्यों कर सकता है, ये इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ 50 डे ईएमए का रेजिस्टेंस है आप देखेंगे, और उसके साथ साथ अगर हम 200 ईएमए को लगाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ अपना 200 ईएमए का भी रेजिस्टेंस है। अगर प्राइस यहाँ से अप जाता है तो ये दोनों ईएमए, ये 200 ईएमए हल्का ऊपर शिफ्ट होगा, और 50 डे ईएमए इस प्रकार से शिफ्ट होगा, क्या इस प्रकार से शिफ्ट होंगे अगर प्राइस अप जाएगा, और इस प्रकार से ब्रेक करेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से बिहेव जब करेगा ईएमए तो प्राइस यहाँ से एक बार रिटेस्ट करे, रेजिस्टेंस ले, और ये अपना रेजिस्टेंस लेवल है ईएमए का रेजिस्टेंस, और ये अपना हॉरिजॉन्टल लाइन का रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस यहाँ से गिरे एक बार, और फिर गिरने के बाद प्राइस अप जाए और इस लेवल को ब्रेक करे, और फिर अपने को एक बार कहीं ना कहीं अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो फिर एक बार 480 का लेवल फिर से अपने को आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है जायडस में, क्लियर हुआ। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि गाइज यहाँ 10-15% क्वांटिटी उठाना, अगर प्राइस फॉल्स ब्रेकआउट होता है एक बार यहाँ अब जाने के बाद प्राइस गिरता है यहाँ, तो आपका बहुत बड़ा नुकसान ना हो, आपके पास एक जो स्टॉप लॉस रहेगा तो आप वहाँ उसको झेल सको। अगर 100% क्वांटिटी ले लोगे तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, इस कारण से कुछ क्वांटिटी पे यहाँ होल्ड करना, फिर इसके बाद ब्रेक रिटेस्ट करने के बाद जब ब्रेक करें तब पूरी क्वांटिटी ऐड करना। अदरवाइज जब तक प्राइस 380 का लेवल ब्रेक नहीं करता तब तक हम कोई भाई पोजीशन नहीं बनाएंगे, और अगर डाउन साइड 320 का लेवल डाउन साइड ब्रेक कर देगा तो ये भी हो सकता है कि अभी आने दिनों में और मंदी देखने को मिल सकती है जायडस में, लेकिन संभावना अब कम ही दिखाई दे रही है जायडस में, लेकिन कहा कुछ नहीं जा सकता, क्लियर हो इतना। अब हम बात कर लेते हैं गाइज, लॉन्ग टर्म की कहानी आपको बता दिया, अब हम बात कर लेते हैं H1 टाइम फ्रेम में, और H1 टाइम फ्रेम में देखते हैं और डिटेल से समझते हैं। देखो अभी आप H1 टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये 50 डे ईएमए का आप देखोगे रेजिस्टेंस ले रहा, और ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस ले रहा, तो क्या हुआ, प्राइस अब गया, प्राइस अब जाने के बाद गिरा, फिर आप देखोगे जब प्राइस ब्रेक किया तो अब यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा। अब क्या हो सकता है, आने वाले दिनों में एक बार प्राइस यहाँ से एक बार ब्रेक रिटेस्ट करने आए, और फिर इसके बाद प्राइस यहाँ से अब जाके ब्रेक करेगा, ये हो सकता है कि ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल है तो एक बार गिर सकता है, और अगर रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करेगा तो प्राइस तेजी से अब जाएगा, क्लियर हो इतना गाइज। अब देखो एग्जैक्ट, देखो भाई सोने पे सुहागा, ये जो अपना 200 डे का ईएमए है, अगर आप देखोगे डे वन टाइम फ्रेम में
ये जो मैं आपको 420 का लेवल ड्रा किया था, आप देखो कितना गजब का 200 ईएमए का रेजिस्टेंस दिखा रहा है। अगर प्राइस ये 50 ईएमए है, 50 ईएमए ब्रेक हुआ तो आप क्या हो सकता है, 50 ईएमए ब्रेक हुआ तो 200 ईएमए के पास प्राइस जाएगा। तो एक बार यहाँ से प्राइस आपको यहाँ से करेक्शन दिखा सकता है। ये देखो मूविंग एवरेज प्लस प्राइस एक्शन की खूबसूरती, देखो प्राइस एक्शन वाइज और मूविंग एवरेज वाइज कितना बेहतरीन मैच कर रहा है ज्यादा। और फिर जैसे 420 का लेवल ब्रेक करेगा तो प्राइस हमेशा के लिए अप ट्रेंड में चला जाएगा, हमेशा के लिए नहीं, आने वाले कुछ दिनों के लिए। क्लियर हो गाइज? ये था गाइज डे वन टाइम फ्रेम का एनालिसिस। डे वन टाइम फ्रेम में ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा आपको मोटा मोटा बता दूँ। प्राइस यहाँ से गिरा था, गिरने के बाद इसी लेवल का रेजिस्टेंस गिरा था, ये लेवल जहाँ आप 200 ईएमए का रेजिस्टेंस दिखा रहा, फिर प्राइस यहाँ से गिरा, फिर आप गिरने के बाद प्राइस आप देखोगे इसी लेवल का रेजिस्टेंस ले गिरा, रेजिस्टेंस ले गिरा और अब फिर यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा। अगर यहाँ से एक बार प्राइस करेक्ट होने आता है, करेक्ट होने देना, जैसे ये लेवल 380 का लेवल ब्रेक करेगा तो एक बाई पोजीशन बनाना कहाँ था 420 तक का, और जैसे 420 प्राइस गिरे यहाँ से करेक्ट होगा, करेक्ट होने के बाद इस लेवल को रिटेस्ट करने आएगा, रिटेस्ट करने के बाद प्राइस अब चला जाएगा। क्लियर हुआ? मोटा मोटा आपको कहानी बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं इंट्राडे के लिए। इंट्राडे के लिए चलते हैं H1 टाइम फ्रेम, और H1 टाइम फ्रेम में देखते हैं कि अभी H1 टाइम फ्रेम में क्या कर सकते हैं। देखो मूविंग एवरेज अब मैं हाइड कर देता हूँ। अब इंट्राडे की बात की जाए तो जहाँ आज हाई लगाया था गाइस, हाई पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर देता हूँ और एक लेवल ये जोन अपसाइड के लिए, इंट्राडे के लिए अपना ये जोन है गाइस। जब तक 380 का लेवल अपसाइड ब्रेक नहीं करता तब तक हम बाई पोजीशन, लॉन्ग टर्म के लिए कोई बाई पोजीशन और इंट्राडे के लिए कोई बाई पोजीशन नहीं बनाएंगे। अदरवाइज डाउन साइड की अगर हम बात कर लेते हैं तो डाउन साइड का लेवल, डाउन साइड तभी हम ट्रेड करेंगे जब अपना ये लेवल 360 का लेवल, जैसे 360 का लेवल डाउन साइड ब्रेक करेगा तो अपना पहला टारगेट रहेगा गाइस 350 का लेवल, और 350 का भी लेवल ब्रेक करता है तो अपना सेकंड टारगेट रहेगा 342 का लेवल। क्लियर हो इतना? लेकिन गाइज अगर मोटा मोटा बात की जाए तो हम 15 मिनट टाइम फ्रेम चलते हैं और वहाँ डिटेल से देख लेते हैं कि हम क्या करेंगे। देखो गाइज प्राइज अभी चल रहा है 368 में। क्लियर हुआ? अगर प्राइज फ्लैट ओपन हो के, प्राइज फ्लैट ओपन हो के अपना 365 का लेवल, क्या 365 का लेवल ब्रेक करेगा यार तो 3 रुपये के लिए मत बैठना। जैसे ही मार्केट अपना 360 का लेवल, इंट्राडे में गाइस 360 का लेवल ब्रेक करता है तो अपना पहला टारगेट रहेगा 352 का, और 352 भी ब्रेक करता है तो सेकंड टारगेट रहेगा 344 का। ये रहेगा डाउन साइड के लिए। और अप साइड की कहानी बता देता हूँ। जब तक गाइस ये जोन पे प्राइस है, इस जोन पे ये जोन है गाइस 373 से 380 का लेवल, जैसे ही 380 का लेवल ब्रेक करेगा तो कहीं ना कहीं अपना नेक्स्ट टारगेट रहेगा 390, और 390 का लेवल ब्रेक करेगा तो फिर थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए बैठ जाना 320 तक के लिए। ये था गाइस जायडस की कहानी। अब बताओ गाइस जायडस का एनालिसिस कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू।